कैसे लग रहा है खाना? अच्छा लग रहा है खाना। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया खाना है। बढ़िया है भाई, बढ़िया लग रहा है। आज खिचड़ी हो रहा है। ये क्या है अंकल जी? छोले। अच्छा छोले हैं। ये क्या है? पनीर कड़ी। अच्छा, तो आप सभी को फिर से स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं दिल्ली की नागलोई में भूतवाली गली के अंदर श्री श्याम रसोई, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जाने जाते हैं 1 रुपए में अनलिमिटेड खाना खिलाने के लिए। तो आज हम वही 1 रुपए का अनलिमिटेड खाना खाने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से चलते हैं नागलोई भूतवाली गली। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुका है नागलोई, जहां पे है श्री श्याम रसोई। जगह को पहचानने के लिए गेट के सामने कुछ इस टाइप का पोस्टर होता है। जैसे ही हम पोस्टर क्रॉस करके आगे बढ़ते गली की जो माहौल है कुछ इस टाइप का देखने के लिए हमें मिलता है। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं आज 1 रुपये में क्या क्या खाने के लिए हमें मिलता है। तो दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो आप सभी देख सकते हो कि अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था इसलिए इतना भीड़ है, वरना इससे भी ज़्यादा भीड़ रहता है। तो यहाँ पे हमें पहले प्लेट के लाइन देना पड़ता है। जैसे ही प्लेट हमें मिलता है तो इस साइड पे खाना मिलता है, खाना लेके आगे सामने बैठ के खाना पड़ता है। और प्लेट देने से पहले 1 रुपये लिया जाता है। जैसे ही 1 रुपये आप देते हो आपको प्लेट दिया जाता है खाना खाने के लिए। और अगर आपके पास 1 रुपये भी नहीं है तो भी आपको प्लेट दिया जाता है खाना खाने के लिए। वो कहते हैं ना, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होती, इंसानियत जहाँ पे ज़िंदा है वहाँ पे मज़हब का कोई बात नहीं होता है। ऐसा ही नेक काम 1 रुपये में पेट भरने का नागलोई में भूतवाली गली के अंदर श्री श्याम रसोई पे सालों साल चल रहा है। यहाँ की लोगों का भी बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। तो ये 1 रुपये लेते हैं, यहाँ पे डालना है ना। तो दोस्तों अभी मैंने थाली ले लिया है। तो दोस्तों इस तरीकों से आपको प्लेट में खाना दिया जाता है। तो आज खिचड़ी बन रहा है, आज खिचड़ी हो रहा है। तो दोस्तों आज यहाँ पे मिल रहा है चावल, खिचड़ी, छोले, दाल, कढ़ी, गाजर की हलवा और आखिर में पूड़ी। तो दोस्तों यह है 1 रुपये वाला खाना। 1 रुपये में देख सकते हो बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हर कोई दोस्तों बहुत ही स्वाद लेके ये खाना खा रहा है। तो भैया आपका नाम? सोनू। सोनू, तो आप यहाँ पे डेली खाना खाने आते हो? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार, तो अभी आपको कैसे लग रहा है खाना? अच्छा लग रहा है खाना। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अंकल जी ये खाना आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप डेली आते हो अंकल जी? डेली आते हो। तो यहाँ पे कितने पैसे लेते हैं? 1 रुपये। 1 रुपये? 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता, सिर्फ 1 रुपये लेते हैं। अच्छा ठीक है। अभी आपको खाना कैसे लग रहा है? ये डेली एक ही बनता है या फिर डेली अलग अलग बनता है? डेली अलग अलग बनता है। ठीक है। हाँ, अलग अलग प्रकार की सब्ज़ी बनती है, चार सब्ज़ी बनती है, हलवा, पूरी, चावल के साथ। अच्छा अच्छा। तो भैया आपका नाम? राहुल। हाँ, राहुल। राहुल, तो भैया ये जो खाना है आप आपको कैसा लग रहा है खाने में? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप डेली आते हो भैया? कभी कभी आते हो। अच्छा, तो कितने रुपए लेते हैं यहाँ पे? हाँ, 1 रुपये लेते हैं। ठीक है। तो भैया ये खाना आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, बढ़िया लग रहा है। कितने रुपए लेते हैं भैया? 1 रुपये। आप डेली आते हो?
में 4-5 बार आ जाता। अच्छा, हफ्ते में 4-5 बार आते हो। डेली एक ही सब्जी बनता है, एक ही खाना मिलता है या फिर डेली अलग अलग मिलता है? अलग अलग मिलता है। ठीक है भैया, आपका नाम भैया? बाबू राय। ठीक है भैया। क्योंकि इस काम पे अगर आप भी जुड़ना चाहते हो, आप भी जुड़ सकते हो और मददगारों को मदद कर सकते हो। आपको मदद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं भेजना है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इन्हीं पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। आप पेटीएम भी कर सकते हो। आ रहा है दूसरी जगह पे ना? हाँ, ये पानी की सेवा के यहीं पे जरूर आता है, वहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे जल सभाओं की गाड़ी होता है जो जगह जगह पे जाके एकदम फ्री में जल सेवाएं देते हैं। तो मैंने खाना खा लिया है और खाने के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि खाना बहुत टेस्टी था। नेकी की इस काम के बारे में सभी को पता चलना चाहिए, इसलिए हमने ये व्लॉग बनाया है। बाकी ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।